देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। मालेगांव शहर को कहा जाता है कि यंत्रमा कामगार से ही ज्यादा उत्पन्न मालेगांव शहर में मिलता है और बड़े संख्या में यंत्रमा से जुड़े हुए मजदूर हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी मजदूरी मिलती नहीं है बराबर, उनको किमान वेतन नहीं दिया जाता है, उनको कई सुविधा नहीं दी जाती है। तो हमने सरकार को एक मांग की, जो पहले के कामगार मंत्री थे मुशरिफ, उन्होंने कहा था कि हाँ हम यंत्रमा कामगारों के लिए कल्याणकारी मंडल तैयार करेंगे, उसमें से वो यंत्रमा कामगारों को पूरी सुविधा दी जाएगी, लेकिन वो वैसा का वैसा पड़ा है। तो हमारा आज का निवेदन में कहा गया है, हमारी मांग, पहली मांग ये है कि यंत्रमा कामगार से जितने भी जुड़े हुए मजदूर है उनका एक कल्याणकारी मंडल किया जाएगा और पूरी सुविधा वो कल्याणकारी मंडल से दी जाएगी। दूसरी बात है कि यहाँ पे किमान वेतन नहीं मिलता है, ईएसआईसी नहीं है, कोई प्रोविडेंट फंड लागू नहीं है, ये भी लागू किया जाए, ये भी हमारी मांग है। और यहाँ पे हमारे कुछ शिकायत आई है कि मालिकों को भी सरमायेदारों को भी बीज बिल में कोई सहूलत नहीं मिलती है। हमने ये भी मांग की है कि यहाँ के जो यंत्रमा कामगार के जो मालिक है उनको भी वीज दर में सहूलत मिलनी चाहिए, हमारी ये भी मांग है। हमारे और एक मांग है कि इनको चार घंटा ही, आठ घंटा ही काम दिया जाएगा और चार घंटा इनको चार लूम चलाया जाएगा और उनका किमान वेतन 26,000 मिलना चाहिए। अभी शासन ने जीआर निकाला है, यंत्रमा कामगारों के लिए 21,000 का किमान वेतन मिलना चाहिए, शासन ने जीआर निकाला है, लेकिन वो जीआर भी अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है। पहला ही जीआर 15,000 का था, 16,000 का था, वो शासन ने अभी पूरा नहीं किया। 21,000 की मांग की, हमने बोला कि 26,000 मिलना चाहिए, ये हमने ये मांग की है। तो यंत्रमा कामगारों के लिए कारखाने के अंदर कोई भी सुविधा नहीं है, टॉयलेट की सुविधा नहीं है, पानी पीने की सुविधा नहीं है, उनको कोई काम करने के टाइम कोई भी ऐसा फैन या कोई ऐसा सुविधा किया नहीं जाता है, ये भी हमने कहा है कि उनको सार्वजनिक सुविधा मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है कि वो मांग को लेकर हमने तहसीलदार को ये निवेदन दिया है। मालेगांव में 3 लाख से ज्यादा पावरलूम यंत्रमाग है, कर्मचारी है, मजदूर है, मालेगांव में लेबर ऑफिसर नहीं है, ये तो बहुत गलत बात है कि इतने बड़े कामगार यहाँ पे जुड़े, मजदूर यंत्रमाग मजदूर हो या मनपा के मजदूर हो, कम से कम 4-5 लाख के ऊपर मजदूरों की संख्या मालेगांव में, और एक लेबर ऑफिसर नहीं है, ये खेत की बात है। हमारी ये भी मांग है कि हमें यहाँ कायम यानी पूर्ण टाइम एक लेबर ऑफिसर यहाँ पे चाहिए, कभी हफ्ते में आएंगे और कितने केस चलाएंगे मालूम नहीं। इधर बहुत सारी केसेस यंत्रमा कामगारों की पड़ी है, घंटागाड़ी कामगारों की पड़ी है, सफाई कामगारों की पड़ी है, लेकिन यहाँ पे कोई सरकारी अधिकारी न होने से ये कोई काम आगे जाता नहीं है, इसके लिए हमें हमेशा यहाँ रहने वाला एक सरकारी अधिकारी चाहिए, यह भी हमारी मांग है।